आ गई तुम? अम्मी आप अभी तक सोई गई? जवान बेटी, आधी रात तक घर से बाहर हो तो माँ बाप की नींदें उड़ ही जाती हैं। मतलब अब्बू भी? नहीं, सो रहे हैं वो। मैंने उनसे कहा था कि उनकी लाडली बेटी अपनी सहेली की शादी से रात 12 बजे तक आ जाएगी। थैंक गॉड, अब्बू ने मुझे घर आते हुए नहीं देखा। हाँ, वरना उनका सर शर्म से नीचा हो जाता कि उनकी लाडली बेटी रात के 4 बजे घर वापस आई है। और इंशा, ये तुमने क्या पहना हुआ है घर से? तो तुम अम्मी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और वहां पर सब ऐसे ही ड्रेसिंग करते हैं, इट्स सो नॉर्मल। ये लो क्लास लोग जो है ना, वो ही सलवार कमीज पर 3 गज का दुपट्टा पहन घूमते हैं। तुम जिसे लो क्लास का 3 गज का दुपट्टा कह रही हो ना, वो हमारी इज्जत की चादर है जिसे तुम उतार कर फेंक आई हो। और अम्मी प्लीज बस कर दे, बाकी का लेक्चर आप कल के लिए संभाल के रखें। मैं बहुत थक चुकी हूँ, नींद आ रही है मुझे। और हाँ, प्लीज सुबह सुबह मेरे सर पे सवार मत हो जाइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। या अल्लाह, मेरी नादान बेटी को नेक हिदायत दे दे मेरे मौला। हाँ, फिर मैं घर पहुंच गई। थैंक गॉड, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। फिक्र? लेकिन क्यों? ऑब्वियसली यार, तुमने कहा था गली के कोने पे गाड़ी रोक दो, और अंधेरी सुनसान गली में तुम अकेली। देख लो, फिर भी मैं घर पहुंच गई। तुम्हारे मॉम डैड ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? हाँ, अब्बू को तो नहीं, मगर हमेशा की तरह अम्मी अपने लेक्चर के साथ तैयार थी मेरे लिए। एनीवेज, छोड़ो, जाने दो ये बातें। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड को बुरा तो नहीं लगा ना, उसकी बर्थडे पार्टी में बगैर गिफ्ट के आ गई थी? डोंट वरी, मैंने अपने गिफ्ट पे तुम्हारा नाम भी साथ में लिख दिया था, क्या हम दोनों की तरफ से। अरे याद आया, मेरे कार में तुम्हारा ड्रेस रह गया था, आई थिंक तुम भूल गई थी। हाँ यार, और मैंने भी तुम्हारा ड्रेस में वापस नहीं किया, चलती चलती मैं भूल ही गई। नो इशू, तुम रख लो। रियली आफिन, यू आर द बेस्ट। काश तुम ना मेरे पड़ोस में रहती, रोज मिलते हम। यू मीन तुम्हारे लो क्लास मोहल्ले में? मोहल्ले से याद आया कि हमारे मोहल्ले में भी एक हैंडसम सा लड़का रहने आया, एक ही हफ्ता हुआ है। अच्छा, तो तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? तुमने मुझसे कहा था कि किसी ऐसे शख्स से फ्रेंडशिप करनी है जो बाहर मुल्क का हो, और प्लस पॉइंट ये है कि वो सिंगल है। हाँ, इंटरेस्टिंग, तो तुमने उसे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट नहीं किया? किया था, बट आई थिंक वो बहुत शर्मीला किस्म का लड़का है, और उसने कल मुझे लंच पे इनवाइट किया है, तुम भी साथ चलो। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट। ओके। शाय प्लस सिंगल, इंटरेस्टिंग कॉम्बो। इंशाते ही तो लॉटरी निकल गई। अम्मी नाश्ता दे दे। बेटा दोपहर के खाने का टाइम है। जी जी अब्बू, बिल्कुल, लेकिन आपकी बेटी वक्त के साथ नहीं चलती, वक्त को अपने साथ लेकर चलती है मैडम। बस कर दो आयशा, मेरी बेटी को सुबह सुबह तंग मत करो। सुबह ही सुबह? आपके इसी लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसको। अम्मी प्लीज बस कर दे, एक तो वैसे ही ना भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पर से आपकी बात है ना दिमाग पे हथौड़े की तरह बरस रही है। अच्छा ये बताओ, शादी कैसी रही? कौन सी शादी? इंशा, तुम कल अपनी सहेली की शादी में गई थी ना, उसी का पूछ रहे हैं अब्बू। जी जी जी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत एंजॉय किया अब्बू। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? खाना बाद में खा लूंगी। अरे लड़की, लगती नहीं है। कल को हमारी इंशा की भी शादी हो जाएगी, घर कितना सूना सूना हो जाएगा। अल्लाह करे ये अपने घर की हो जाए, हमारी इज्जत पर कोई आंच आने से पहले। क्या बार बार मोबाइल देख रही हो? किसी कॉल आने वाली है क्या? टाइम देखो, बहुत हो गया है यार। तुम्हें घर जाना है? नहीं, आप प्लीन शहरी अब तक नहीं आया। शहरी, क्या बात है, मिली भी नहीं और नाम भी रख लिया। हाफरीन, मेरी टांग खींचना बंद करो। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं कमीशन करना, अजीब तो नहीं लग रही, तुम्हारा दोस्त आएगा तो। आप बहुत अच्छी लग रही।
लगता है जैसे आपने हमें लंच के लिए, हमने आपको लंच पर बुलाया। ओ सॉरी सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरी कार का टायर पंचर हो गया था। बाय द वे इनसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। ये मेरी दोस्त है इंशा। इंशा ये शेरियार है। ओके इंशा। इंशा हाँ कहाँ खो गई? लगता है कि आपके फ्रेंड इंशा को मैं कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं नहीं आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा नाम शहरयार और आप मुझे प्यार से शहरी बुला सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी। आप मुझे आपसे ज्यादा। वैसे ये जो अपने दोस्त है ना, इनका दुबई में बिजनेस है, इनपुट एक्सपोर्ट का। तो तुम ये क्यों नहीं करते मेरे दोस्त को एक्सपोर्ट कर दो? मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आपकी फ्रेंड को कोई मसला ना हो तो। अब बाय द वे हम लोग ऐसे खाली क्यों बैठे हुए हैं, कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? जस्ट वन सेकंड वेटर। इंसान को अशरफुल मखलूकात के तौर पे अल्लाह ताला ने पैदा किया और अशरफुल मखलूकात के होने के लिए बहुत सारी चीज़ें यानी क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के अंदर, और एक क्वालिटी है उसमें से प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान के अंदर एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होता है, और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के नतीजे में इंसान फिर अपने से बेहतर शख्स को देखता है। तो ऑब्वियसली फिर अगर कोई गरीब शख्स है, कोई लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर वो अपर क्लास के लोगों को देखेगा, उनको आइडियलाइज़ करेगा, सिंबलाइज़ करेगा, उन जैसा बनने की कोशिश करेगा। और उसके नतीजे में फिर होता ये है कि चूंकि एक वो रेट रेस में लग जाता है कि बस वैसा बनना है, वही चीज़ें हासिल करनी है, वैसी गाड़ी, वैसा घर, वैसे जॉब, क्रेडिट कार्ड्स बन जाएँ। तो उसके नतीजे में फिर होता यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ खो देता है। और खुशनसीब लोग होते हैं वो कि जिनके अंदर ये शऊर होता है कि ठीक है भाई अच्छी चीज़ें करनी है, और वो अच्छाई और बुराई को अलग अलग रखते हैं, वरना फिर इंसान जो है वो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। आप बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरी दोस्त को एक्सपोर्ट कर दो। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आपकी फ्रेंड को कोई मसला ना हो तो। इंशा चलो खाना खा लो। हाँ नहीं, वो मैं आफरीन के साथ बाहर से खाना खा कर आई थी। एक तो मुझे तुम्हारा ये आफरीन से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या बुराई है उसमें? इंशा बेटा बुराई उसमें नहीं है, हमारे रुतबे में है, हम उनसे बहुत अलग हैं। पता है मुझे आफरीन इसलिए पसंद है, उसके लिए नहीं तमाम बातें मैटर नहीं करती, इसलिए वो मेरी दोस्त है। मुझे नींद आ रही है, आप दोनों खाना खाकर सो जाइएगा, और प्लीज अम्मी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इंशा तुम्हारे ये तेवर हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारे ससुराल वाले कभी नहीं करेंगे। मेरे ससुराल वाले कहां से बीच में आ गए? वो इसलिए कि तुम्हारे अबू ने बहुत पहले तुम्हारा रिश्ता अपने मरहूम दोस्त के बेटे से तय कर दिया था, और लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है। क्या अम्मी, मैं किसी जॉब करने वाली लड़के से शादी नहीं करूंगी। आप प्लीज ये बात जाकर ना अबू को कह दे। इंशा वो लोग तुम्हें अगले हफ्ते देखने आ रहे हैं, समझी तुम? अम्मी दिमाग खराब हो गया इसका। शरियार पिक अप द कॉल। हेलो शेरी, शेरी मेरी बात सुनो, मुझे कब तुमसे मिलना है? मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी यार, वो ट्रैफिक बहुत था। तुम्हें कोई फिक्र है भी कि नहीं? तुम्हें पता है मैं किस तरह छुपते छुपाते तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है शहरी कि मुझ पे क्या बीत रही है। क्या हो गया इंशा यार, इतना वेयर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। तो हुआ क्या है इंशा यार, तुम फोन पर भी नहीं बताती, बस मिलने की रट लगाए रखी है, जबकि हम कल भी मिले थे। अच्छा मतलब तुम्हें मुझसे मिलना पसंद नहीं है? ठीक है मैं जा रही। एक तो मैडम यार बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि तुम परेशान लग रही थी। अब रिलैक्स हो जाओ और अब मुझे बताओ कि हुआ क्या है। वो मेरे अम्मी अब्बू ने ये शादी करना चाहते हैं। नहीं ये तो अच्छी बात है, बताओ तो सही कौन है वो खुशनसीब जिसकी किस्मत में तुम लिखी हो? नहीं मैं जानती हूँ और ना ही मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी और को पसंद? किसे? शरी तुम वाकई इतने बुद्धू हो,
या मेरे सामने एक्टिंग करते हो? हाँ मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुम भी मुझे पसंद करते हो कि नहीं। तुम सच कह रही हो इंशा? आई नो कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है, और तुम्हारे आगे पीछे तो इतनी स्टाइलिश लड़कियां घूमती होंगी। और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद है, क्योंकि पहली बार में ही तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरा दिल जीत लिया था। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी। नौमान भाई, माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश करें, इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। मेरे दोस्त के इस मौके पे ना होने का मुझे बहुत बड़ा दुख है, काश इस मौके पे हमारे साथ होता। अंकल आपने मुझे कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ नौमान भाई, अमान के वालिद के इंतकाल के बाद आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। अरे भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप, इंशा और अमान में मैंने कभी कोई फर्क ही नहीं समझा। वैसे इंशा का है अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होगी ना? जी बिल्कुल, अंदर तैयार हो रही है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। हाय, बाय द वे मैं इंशा और तुम अमान, राइट? तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे? शर्माओ मत, खाओ। इंशा क्या है ये सब कुछ, और तुम किस तरह का हुलिया बनाकर आई हो? कम ऑन अम्मी रिलैक्स, फैशन है ये। नौमान भाई हमने तो सोचा था कि आपने अपनी बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत की होगी, मगर इसे देख के तो। नहीं नहीं मरियम बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो होना ही था। अब देखे ना आंटी, बगैर कुछ जाने बगैर सोचे आप किसी घर में रिश्ता लेकर जाएंगी तो ये तो सब फेस करना पड़ेगा ना आपको। एनीवेज इस लुक में बुराई क्या है, कोई नहीं। अच्छा डोंट माइंड आंटी, हाँ मैं आपकी तरह ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन लग रही। चल अमान बेटा, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। नहीं नहीं मरियम बहन, ऐसे ना जाए, मेरी बात तो सुने। बाय 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 क्या चाहिए? अम्मी जरूर मेरी परवरिश में कमी रह गई होगी, वरना मेरी इतनी तजील ना होती, वो भी मेरी अपनी बेटी की वजह से। नौमान आप खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? तो किसे इल्जाम दूं, मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है। किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां मेरी भी हैं। हाँ नुमान, इंशा आपसे झूठ बोलकर अपनी अमीर दोस्तों की पार्टीज में जाया करती थी, और आपसे झूठ बोलकर वो रात को देर देर से घर आया करती थी। तुझे सब अब बता रही हो? क्योंकि आप खुद को इल्जाम दे रहे हैं और आपकी ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब भी क्यों बता रही हो? मैं तो अब भी ना बताती नुमान, अगर इंशा आज ये सब तमाशा ना करती तो। इंशा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और आज जो रिश्ता लेकर आए थे ना आप लोग, मैं वहां हरगिज शादी नहीं करूंगी, आप लोग सुन ले। इंशा बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप अपना भी इनपुट दें शादी के सिलसिले में, गो के इस्लाम भी इजाज़त देता है कि लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं, लेकिन वालदेन एक अलग एंगल से देखते हैं। औलाद चाहती है कि उन्हें हर चीज़ को डिफ़ाइन किया जाए, तो वालदेन का फ़र्ज़ ये आजकल के दौर में कि जब आप बच्चों को ऐसी तालीम देते हो कि वो उनका लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो अब अगर सिर्फ ये कहोगे आप कि नहीं भाई ये सही नहीं है हमने कह दिया, तो वो दे आर नॉट गोइंग टू ओबे यू। तो वालदेन को चाहिए कि लॉजिकली बच्चों को बताएं, समझाएं, वो अपने मियार को अपने स्टैंडर्ड को डिफाइन करें कि मना कर रहे हैं तो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। भेद, भेद। नहीं नहीं इस बार दाम दुगना होगा। अरे माली ऐसा है,
अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हर बार से बेहतर होगा। अगर डील मंजूर हो तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरी कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो इंशा, कैसी हो? इस वक्त किससे बात कर रहे थे? अरे दुबई के क्लाइंट से बात कर रहा था, बिजनेस के हवाले से। क्यों, तुम क्या समझी? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने अम्मी अब्बू को बता दिया। क्या बता दिया? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे नहीं मिलूंगा। क्या, मैं तुम्हारे खातिर इतना कुछ बर्दाश्त किया और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं मिलना, जबकि मैंने अपने अम्मी अब्बू को राजी कर लिया। मुझे ना पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम जैसे लड़के ना। अरे बस 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 पगली, मेरा कहने का मतलब है कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, मेरे मॉम एंड डैड मिलेंगे जो कल एक फ्लाइट से आ रहे हैं। तुम सच कह रहे हो ना शेरी? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा शेरी तुम्हें धोखा देगा? तैयारी पकड़ लो, तुम्हें बहुत इज्जत से लेकर जाऊंगा। तुम बहुत अच्छे हो शेरी। तुम भी बहुत अच्छी हो। गुड नाइट। पेरेंट्स का हम देखते हैं कि दो तरह का एटीट्यूड होता है। एक तो ये कि जनाब बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ज़रा सी गलती हो गई तो जनाब बच्चे को इतना ज़्यादा डांटेंगे और पिटाई लगाएंगे कि बच्चा फिर वो शुरू से ये देखता है कि भाई ज़रा सी भी गलती हो जाए तो बेहतर ये है कि जनाब बात को झूठ बोल के मैनेज कर लिया जाए। तो फिर बड़ा भी जब इंसान हो जाता है तो फिर अगर कोई गलती होती है तो फिर वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, छुपाते हैं, और ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि बात बिगड़ती चली जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं और ओपन हार्टेड हैं कि बच्चा बड़े से बड़ी गलती कर दे तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आओ बताओ, और चीज़ों को सेट करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मामलात सही हो जाते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे गलती करके पेरेंट्स के पास आते हैं सॉल्यूशन के लिए। काश हमारी बेटी हमें पहले शहरियार के बारे में बता देती तो मुझे भाभी और अमान के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। लेकिन अमान, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि पहली मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करना और दूसरी मुलाकात में शादी का प्रपोजल, ऐसा क्या ये अच्छा नहीं है कि हमारी बेटी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से हम उसकी नजरों में गिर जाते हैं? और सबसे बढ़कर मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी जैसी। इंशा, आज तुम्हें ये 3 गज का दुपट्टा बुरा नहीं लग रहा? नहीं अम्मी, शहरी को मैं सादगी में ही पसंद हूँ। अच्छा बेटा देखो, शहरी यार लोग अभी तक आए नहीं है, 7 बज चुके। मेरी शहरी से बात हुई थी, रास्ते में ही है, बस आने वाले हैं, मैं चाय देख लेती हूँ। ऐसा कौन सा रास्ता है जो अब तक तय ही नहीं हो पाया? आ जाएंगे बेटा, तुम कॉल कर कर देखो। क्या हो गया है आपको? बेटी की मोहब्बत में दीवाने हो गए? आपको नजर नहीं आ रहा कि शाम से रात हो गई है? जो इज्जत से आए थे उन्हें तो बेइज्जत करके निकाल दिया, अब इन लोगों का इंतजार करना बेकार है। यार एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं? यही कि तुमने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया। कैसी बातें कर रही हो यार इंशा? देखो ठीक कह रही हूँ मैं, तुमने अपना मोबाइल चेक किया, 50 कॉल की मैंने तुम्हें शेयर, तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। बस अगर मैं धोखेबाज होता तो आज यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। मेरी भी कोई मजबूरी थी यार। कैसी मजबूरी? एक्चुअली मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर तेरी अम्मी राजी नहीं है। अगर शायद तुमने कहा था कि वो लोग राजी है और रिश्ता निकल आ रहे तो फिर? हाँ कहा था, एक्चुअली मैंने उन्हें पहले ये नहीं बताया था कि तुम लोअर क्लास हो। अरे ऐसे मत देखो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है। फिर अब क्या? अब हम बाकी शादी करेंगे, क्या तुम मेरे साथ हो? ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? बस यही दोस्ती थी तुम्हारी। सॉरी ना यार। अच्छा जो होना था ना सो हो गया, अब आगे का सोच रहा। और ये भाग के शादी करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली वो शहरी के जो घर वाले ना वो राजी नहीं हो रहे। और तुम्हारे घर वाले? तो
तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपने घर वालों को कहूंगी कि भाई शहर के घर वाले राजी नहीं है, आप मेरी शादी उससे करवा दे। वो कहेंगे हाँ बेटा क्यों नहीं, है ना? यार कोई तरीका निकालते हैं, तुम कहो तो मैं शहरी से बात करूं। अरे नहीं नहीं प्लीज, तुम शहरी से कुछ मत कहना। वैसे उसने मुझे मना किया था कि तुम ये सारी बातें ना किसी से डिस्कस मत करना, बट देखो मैं तुमसे डिस्कस की ना बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? एक्चुअली शहरी और मैं सुबह होते ही किसी और शहर चले जाएंगे जब तक कि मेरा दुबई का वीजा नहीं आ जाता, मगर सुबह ही सुबह घर से निकलना मेरा बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं रात को ही सामान पैक करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी। शहरी तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी, और ऐसे सुबह होते ही हम दोनों साथ निकल जाएंगे। एक बार फिर सोच लो। जो सोचना था वो तो सोच लिया, तो बस इम्प्लीमेंट करना है। शेरी का नंबर क्यों बन जा रहा है? ओके, मैं एक बार राफिन के घर पहुंच जाऊं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। तो मेरी बात सुन रही हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ मैंने कहा था ना कि मुझे कॉल मत करना, अभी तुम्हारे कॉल की वजह से अम्मी अब्बू जाग जाते हैं। मैंने कहा था मैं रेडी होकर घर से निकलूंगी तो तुम्हें कॉल कर दूंगी। घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब क्या तुम्हारा कि कोई जरूरत नहीं है? वो शहरी एक नंबर का फ्रॉड निकला। क्या बकवास कर रही हो तुम आफरीन? हाँ चले सो रही हो ना इसलिए सब कह रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है उस फ्रॉड के चक्कर में। अगर यकीन नहीं आता ना तो मैं एक न्यूज वीडियो क्लिप भेज रही हूँ, देख लेना उसमें कि वो पुलिस की विरासत में है। ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉड केस का मरकजी मुल्जिम शहरियार अब पुलिस की हिरासत में है। मुल्जिम ने अपने एतराफ जुर्म में बताया कि वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शनाख्त के साथ रिहाइश पजीर हुआ करता था और मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनको दुबई में फरोख करके उनसे कैश और गोल्ड छीन लिया करता था। इंशा, इंशा क्या हुआ बेटा? इंशा उठे। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था। बेटा क्या हुआ है बताओ तो सही, इस तरह तुम्हें रोते देखकर मेरा दिल बाहर आ जाएगा। वो शहरियार है ना, वो फ्रॉड, आपको पता है वो लड़कियां
मुझसे बाहर जाकर बेच देता है। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता चला बेटा? मुझे वो आप ली ना उसकी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, उसने मुझे एक न्यूज क्लिप भी सेंड किया था। शहरयार को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आपको पता है कुछ ही लंबे पहले मैं उस फ्रॉड शख्स की बातों में आकर आप लोगों की इज्जत मिट्टी में रोतने वाली थी। अभी आपका सारा जेवर, आपकी मेहनत की कमाई सब लेकर मैं भागने वाली थी। इंशा क्या कह रही है, क्या कह रही है इंशा? बेटा जो हुआ है अच्छा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने बुरे वक्त से पहले ही तुम्हें हिदायत दे दी और वो तुम्हारे सामने आ गया। मेरा रब जो अपने बंदे के लिए करता है बेहतर करता है। सब्र करो मेरी बेटी। अब वो मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जिससे कहेंगे जा बोलेंगे, बगैर कुछ बोले मैं वहाँ शादी कर लूंगी और मैं मरियम आंटी से खुद माफी मांग लूंगी। अम्मी मैं जान मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। जिन घरों में बच्चों के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान गैप होगा, वैक्यूम होगा, और किस चीज़ का गैप, मोहब्बत का, शफ़क़त का, तो फिर वहाँ पे बच्चे चूंकि मोहब्बत के मतलाशी होते हैं, जहाँ उन्हें ज़रा सी भी मोहब्बत नज़र आती है, ज़रा सी भी उनको नरमी नज़र आती है, तो फिर वो उसी तरफ चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर बेटियाँ हैं तो बेटियों को गले लगाओ, उनका हाथ पकड़ के उनसे बात करो, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, ठीक है, वो वैक्यूम ना आने दो। इसी तरह बेटा आपके घर में मौजूद है तो माँ को चाहिए कि वो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, ठीक है, मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जब मोहब्बत की कमी होगी, वैक्यूम होगा, तो वो वैक्यूम फिल हो जाएगा कहीं ना कहीं से। और अब वो जो भी शख्स होगा, ठीक है, तो फिर वो लड़का या लड़की ये नहीं देखेगा कि ये कितना काला है या गोरा है या शक्ल इसकी कैसी है, फिर वो जैसा भी इंसान होगा चूँकि मोहब्बत मिल रही है ना, कि वो किस चीज़ का भूखा है, मोहब्बत का भूखा है, तो फिर वो उसी तरफ चला जाता है। और यही चीज़ हम देखते हैं मुख्तलिफ केसेस की शक्ल में हमारे मीडिया पर नज़र आती रहती हैं चीज़ें। तो घरों में अपने बच्चों को आप तालीम दिलवा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, योर ड्यूटी इज़ नॉट इनफ़। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें हग करें, उन्हें कैरेस करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें आई लव यू कहें, उनके साथ टाइम बिताएं।